उसका हुलिया भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बयान किया है। दूसरी बात यह कि उसके हाथ में कवानीन कुदरत गोया के तस्खीर कायनात गोया के नुक्ते उरूज को पहुंच चुकी है, तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके हों। जो बड़े से बड़े मौजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं वो मौजज़े करके दिखाएगा, वो मुर्दा को जिंदा करेगा, मुर्दा लोगों की अफवाहों को लेकर आएगा, उनकी रूहों को, अगरचे झूठी रूहें होंगी, वो शयातीन जिन होंगे जो उनका भेष बदल कर आएंगे, लेकिन ये कि वो लोगों से कलाम करेंगी। ये स्पिरिचुअलिज्म जो अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है यूरोप में और मगरिब में, ये दर हकीकत उसी का एक मजर है। वो खुले बेआबान को कहेगा जहां बिल्कुल चटियल जो है कुछ सहरा था वो लोग गुलजार कर देगा जब चाहेगा, जब चाहेगा जहां चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला उसके लिए बेमानी होगा, उसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। ये सारे जो आज आपकी इस टेक्नोलॉजी की जो इंतहा जा रही है और जिधर जा रही है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से 100 साल पहले शायद इंसान इन चीजों का तस्वीर ना कर सकता। वो कोई सवारी ऐसी भी हो सकती है जिसके दो कानों के दरमियान का फासला जो है वो 80 हाथ का हो। आपके ये सारे जेट्स जो है वो क्या है, इनके रडार्स जो लगे हुए हैं, तो दोनों कान हैं उनके। उसका एक कदम अगर मदीने में होगा तो दूसरा बैतुल मक़दिस में होगा। उसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाएगी, सुनी जा रही है कि नहीं। ये सारी कुदरत, सारी कुव्वतें, तस्खीर कायनात कुल्लियतन एक आदमी को चीर कर दो टुकड़े करेगा, दोनों टुकड़ों को अलहदा करेगा, उसके दरमियान चलेगा और फिर उन दोनों को जोड़ेगा और खड़ा कर देगा। अहादीस में सारी मौजूद है। सर्जरी जिधर जा रही है कोई जब नहीं कि वहां तक आदमी पहुंच जाए। फ्रीज करके तो यह मामला हो ही सकता है। जिस किस्म के आप चाहेंगे मखलूक पैदा करने के काबिल हो जाएंगे, जो सिफात आप चाहते हैं पैदा कर लें, ऐसे इंसान पैदा किए जा सकेंगे जिनमें सिरे से रहम और सिरे से रिक्कत का मादा ही ना हो। ह्यूमन रोबोट्स जिनको जहां से जो हुक्म मिलेगा, जिसको कहा गया कुरान मजीद में ऐसे गिलास और शिदाद लोग पैदा कर दिए जाएंगे कि जिनके दिलों में कोई रहम नाम की कोई किसी शय का शायबत है। आदम की तखलीक से लेकर कयामत के कायम होने तक अभी इन दोनों के माबैन दज्जाल के फितने से बड़ा फितना कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया कि नूह के बाद कोई नबी अल्लाह का ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार ना किया हो। तो ऐ मुसलमानों, मैं भी तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, यह दज्जाल दो दजल करेगा। वो शख्स जो झूठा मसीह होने का दावा करेगा, अल मसीहुद दज्जाल, जैसे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल उठेंगे जो नबी का दावा करेंगे, और फिर एक वक्त होगा कि जबकि एक शख्स खड़ा हो जाएगा यहूद में से मसीह होने का दावा करके, मैं मसीह हूं और मैं अब कायम करूंगा ग्रेटर इसराइल। वो मसीहुद दज्जाल होगा और उसको कत्ल करने के लिए असल मसीह ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे अलैहिस्सलाम, और फिर उन्हीं के साथ मशरिक से कुछ फौजें आएंगी जो उनके साथ मिलकर जिहाद करेंगी, उधर से आलम अरब से हजरत महदी और उनकी फौजें आएंगी, और फिर यहूदियों के साथ आखिरी जंग होगी और हजरत मसीह के हाथों एक एक यहूदी इस दुनिया में खत्म होगी। 3 निशानियां वो हैं कि जब वो जाहिर हो जाएंगी तो फिर किसी का ईमान लाना मुफीद नहीं होगा जो पहले ईमान नहीं लाया था या जिसने इससे कबल अपने ईमान में कुछ आमाले सालेहा की कमाई नहीं की थी, यानी गोया के तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। सूरज मगरिब से तुलू होगा, निजाम शमसी में कोई इख्तलाल ऐसा होगा कि जिससे सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से निकलेगा। वो खुरूज दज्जाल व दाबत अल-अर्ज, एक जमीन से कोई चौपाया बरामद होगा। बाद अहादीस में आता है कि मरवा के करीब से वो बरामद होगा जो गुफ्तगू करेगा इंसानों से, कि बिल्कुल खर्क़े आदत, यानी वो चीजें कि जिनका कोई ताल्लुक अब असबाब जो है दुनिया के उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फिजिकल लॉ से ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल मौजज़े होंगे, खर्क़े आदत होगा। और खुरूज दज्जाल, वो दज्जाल जो खुदाई का दावा करेगा, और हदीस में आता है कि बहुत कम लोग होंगे कि जो उसके सामने रुक सकेंगे, अक्सर व बेशतर जो कमजोर ईमान वाले लोग होंगे वो उसे खुदा तस्लीम करके उसकी परस्तिश शुरू कर दें। मेरे नजदीक ये आखिरी छलनी होगी जो लगाई जाएगी अहले ईमान को एक तरफ करने की, और ये कयामत की निशानियों में से आखिरी निशानियों में से है। आज से 400 साल पहले इंसान ने एक आंख बंद कर दी, मजहब से कोई सरोकार नहीं, कोई ताल्लुक, एक आंख बंद दूसरी आंख चौपट,
यही यक चश्मी तहजीब है, यही दज्जाली तहजीब है, जो कानी तहजीब है, जिसकी एक आंख है दो नहीं, जिसने कायनात ही को असल शय करार दिया है। खालिक को छोड़ो, जो होगा कोई पैदा करने वाला है या नहीं है छोड़ो, दफा करो, ये दुनिया तो है ना, इसे मुसफर करो। रूह कोई है या नहीं है, कोई हकीकत है या नहीं है, क्या पता है कि नहीं है, छोड़ो दफा करो, किसने देखी। जिस्म तो है ना, जिस्म की फिक्र करो, जिस्म को बनाओ, तैयार करो, खिलाओ पिलाओ, इसके तकाजे, इसके लिए सारे एक से एक वाइटामिन्स जो है ईजाद करते चले जाओ और तलाश करते चले जाओ, वो सब कुछ करो। रूह कोई शय है या नहीं है, होगी, अगर है भी तो हमारी बहस की दिलचस्पी की चीज नहीं। आखिरत होगी भाई, पता नहीं है कि नहीं है, किसने आगे बताया। ये दुनिया तो है ना, इसे बनाओ, वेलफेयर स्टेट कायम करो, दुनिया के अंदर बेहतर निजाम कायम करो, कहां आखिरत के चक्कर में फंस गए। ये तीन चीजें बमुकाबला तीन चीजों से, खालिक कायनात की बजाय कायनात पर तवज्जो करो, रूह की बजाय मादे पर तवज्जो करो, हयात उखरवी से छोड़ो, होगी नहीं है क्या है दुनिया की। ये जो शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस हुआ है, हमारी तवज्जो उधर से हटकर इधर, अब दुनिया ही मतलूब व मकसूद,